बढ़ते हैं यहां से अपनी अगली खबर की तरफ, जो निकल के सामने आ रही है इंडोनेशिया से पाम तेल की। तो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। 23 मई से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन को हटा लिया जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस बात की खुद घोषणा की है। इंडोनेशिया ने यह फैसला पाम ऑयल सेक्टर में काम करने वाले 17 मिलियन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। दरअसल इंडोनेशिया के पाम उत्पादक किसानों ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हड़ताल की थी। किसानों का कहना था कि इंडोनेशिया की सरकार ने पाम तेल के निर्यात पर बैन लगाया है, जिससे अब वहां पर स्टॉक ओवर हुआ है और तेल बनाने वाली कंपनियां अब उनसे पाम की खरीद नहीं कर रही हैं। अगर भारत के खाद्य तेलों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत हर वर्ष करीब 13 से 13.5 मिलियन टन खाने के तेल का आयात करता है, जिसमें 63% हिस्सेदारी यानी कि लगभग 8 से 8.5 मिलियन टन पाम ऑयल की होती है। 63% आयात किए जाने पाम ऑयल में 65% इंडोनेशिया से ही आयात किया जाता है। महंगे कीमतों के चलते 2021-22 में खाने के तेल का आयात 1.5 मिलियन टन से घटकर 1.3 मिलियन टन रह गया। फिर भी कीमतों में उछाल के चलते 2021-22 में खाने के तेल के आयात पर 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा है, जबकि उससे पहले साल में 82,123 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। अभी बाजार में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि इंडोनेशिया द्वारा तेल निर्यात पर से बैन हटाने से भारत को काफ़ी राहत पहुंचेगी और भारत में खाद्य तेलों की कीमतों को काफ़ी चोट भी पहुंचेगी। इसी डर से खाद्य तेलों का बाजार अभी कुछ दिनों से मंदा भी चल रहा है, लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट हैं और सूत्र हैं उनका कहना है कि खाने के तेलों में तेजी अभी से आनी शुरू हो गई थी, तभी से आनी शुरू हो गई थी जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा था। युद्ध के चलते ब्लैक सी से आवाजाही बंद हो गई, जिससे सूरजमुखी के तेल की किल्लत हुई और अन्य देश जो सूरजमुखी की खपत करते थे उन्होंने पाम तेल को इसके विकल्प के तौर पर चुना। आसान शब्दों में कहें तो सूरजमुखी तेल की जो खपत थी वो पाम तेल पर डाइवर्ट हुई और इसी के चलते इंडोनेशिया में पाम तेल की डिमांड और कीमतें दोनों में बेतहाशा वृद्धि हुई। ज़्यादा कीमतें और डिमांड को देखते हुए वहां से पाम तेल का निर्यात ज़्यादा होने लगा और इसी बीच वहां के जमाखोरों ने इसका स्टॉक भी करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में इसकी किल्लत और ज़्यादा होने लगी और कीमतों में वृद्धि। सप्लाई और डिमांड में इतना अंतर हो गया था कि एक समय ऐसा भी आया था जब इंडोनेशिया में 1 लीटर पाम तेल की कीमत भारतीय रुपये में 22,000 रुपये प्रति लीटर बैठ रही थी। वहीं अब इंडोनेशिया की सरकार ने पाम तेल के निर्यात पर से बैन हटाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन सब के मद्देनज़र सूत्रों का कहना है कि बैन हटने के बावजूद भी भारत में खाने के तेलों में मंदी की संभावना काफ़ी कम ही नज़र आ रही है। हो सकता है कि बाजार को जानबूझकर मंदा दिखाया जाए जिससे कीमतें नीचे गिरें और सस्ते में खरीदारी कर स्टॉक किया जा सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सूत्रों का कहना है कि इंडोनेशिया के बैन लगाने के बाद जब किसानों से पाम की खरीदारी यह कहकर बंद कर दी गई कि इसका स्टॉक ओवर हो गया है, तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब इसका इतना ज़्यादा स्टॉक ही है तो किसानों से ही खरीदारी बंद कर दी गई, तो फिर इंडोनेशिया में इसकी कीमतें आसमान पर क्यों हैं? अगर इतना स्टॉक ज़्यादा ही है तो फिर कीमतें कम क्यों नहीं हुई हैं इंडोनेशिया में? दूसरा, सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर इंडोनेशिया इसका निर्यात चालू भी करता है तो अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी या नोटिफिकेशन नहीं मिली है कि कितने दाम पर होगा और कितना होगा। अब ऐसे में ये अटकलें लगाना कि इंडोनेशिया के तेल निर्यात पर से बैन हटाने से भारत में खाद्य तेलों का बाजार मंदा होगा पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। तो यानी कि जिस हिसाब से इंडोनेशिया ने फैसला लिया है उससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में खाद्य तेलों का बाजार मंदा रह सकता है, लेकिन जैसे ही हमने आपको बताया अभी कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो
खाद्य तेलों में मंदी को नहीं देखते हैं, बल्कि खाद्य तेलों में एज इट इज जैसे बाजार चल रहा है वैसा ही देख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि खाद्य तेलों का जो बाजार है वो तेज रहेगा। वहीं कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि खाद्य तेलों का जो बाजार है वो मंदा रह सकता है। हालांकि जब से ये बात जारी हुई है इंडोनेशिया सरकार की तरफ से कि इंडोनेशिया पाम तेल के निर्यात से जो बैन लगाया हुआ था, जो प्रतिबंध लगा था, उसे हटा देगा इसी सोमवार से, तब से लेकर अब तक भारत के जो इंपोर्ट हैं खाद्य तेलों के, उसमें कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर या शिपमेंट या कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है भारत की तरफ से कि भारत इंडोनेशिया से ज़्यादा इंपोर्ट करने की मन बना रहा हो। अभी तक ऐसी कोई चर्चा मार्केट में नहीं हुई है। अब बाकी ये वक्त बताएगा, जब इंडोनेशिया से आयात चालू हो जाएगा तब क्या खबरें निकल के सामने आई, मार्केट में क्या चर्चा हुई है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल बाजार की हलचल में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।